हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के माधवी लता की मुसीबत कम होती नहीं नजर आ रही। उनके ऊपर अब FIR दर्ज हो गई है क्योंकि एक वीडियो में उन्हें एक मतदान केंद्र पर बुरखा पहने मुस्लिम महिलाओं से उन्हें अपने चेहरे दिखाने के लिए कहते हुए दिखाया गया ताकि वो उनके मतदाता पहचान पत्र पर मौजूद तस्वीरों से उनका मिलान कर सकें। माधवी लता आज चल रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सबसे नामी उम्मीदवारों में से एक हैं। उनका मुकाबला हैदराबाद से 4 बार के सांसद रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से है। जिला चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रास ने एक निजी चैनल को बताया कि पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को उसकी पहचान की जांच करने के लिए किसी का बुरखा उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा यदि कोई संदेह है तो उम्मीदवार मतदान अधिकारी से मतदाता की पहचान सत्यापित करने के लिए कह सकता है। हालांकि BJP उम्मीदवार ने एक निजी चैनल से कहा कि एक उम्मीदवार को मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार है। मैं एक उम्मीदवार हूं, कानून के मुताबिक एक उम्मीदवार को बिना फेस मास्क के ID कार्ड जांचने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत ही विनम्रता के साथ मैंने उनसे अनुरोध किया अगर कोई बड़ा प्रदर्शन करना चाहता है इससे बाहर निकलने का मतलब है कि वो डरे हुए हैं। हालांकि ओवैसी ने भी अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन वायरल वीडियो को अपने ट्विटर टाइमलाइन पर साझा किया गया। BJP प्रत्याशी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक निजी चैनल को बताया पुलिसकर्मी बहुत सुस्त लग रहे हैं, वो सक्रिय नहीं हैं, वो कुछ भी जाँच नहीं कर रहे। वरिष्ठ नागरिक मतदाता यहाँ आ रहे हैं लेकिन उनके नाम सूची से हटा दिए गए। हैदराबाद सीट असदुद्दीन ओवैसी का पारिवारिक गढ़ है। चुनाव से पहले माधवी लता ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की भी उम्मीद है क्योंकि भाजपा ने 3 तलाक और मुस्लिम युवाओं के लिए नौकरियों के बारे में बात की है। अब ऐसे में देखना यह है कि माधवी लता का ध्रुवीकरण का चाल कितनी सफल होती है, क्या वो ओवैसी को चुनाव हरा पाती हैं, क्या इस बार भी ओवैसी परिवार अपने किले को बचाने में कामयाब रहता है।